इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे आईफोन के अंदर हमारा जो ब्लूटूथ है वो ऑन नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जब भी अगर आपके आईफोन में ब्लूटूथ ना ऑन होए तो दो सेटिंग्स आपको करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसको आपको देखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा जर्नल में, ठीक है, और अपडेट चेक कर लेना होगा आपको कि आपके आईफोन में लेटेस्ट अपडेट आ रहा है या नहीं। अब हमारे में आ रहा होगा तो हमें अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से बैग लाइए और यहाँ पर जो है आप ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन पर जाइए और यहाँ से जो है आप जो है रीसेट पर टिक करिए और रीसेट ऑल सेटिंग्स जो यहाँ पर ऊपर दिखाई देगी इस पर टिक करके पासकोड डालकर अपना सारी सेटिंग्स को रीसेट कर लीजिए। ठीक है, ये दो सेटिंग्स जब आप करेंगे उसके बाद आप जब सेटिंग्स में अपनी ब्लूटूथ को खोलेंगे तो ईजिली यहाँ पर ब्लूटूथ जो है टर्न ऑन हो जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।